फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 18 इंची एग्जॉस्ट फैन के ब्लेड को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। ये इसकी बेस है और ये इसके चार ब्लेड हैं। सेम साइज़ के कोई सा ब्लेड कहीं भी लगा सकते हैं और ये इसके नट बोल्ट हैं, तो ब्लेडों को बेस के किसी भी पॉइंट में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे से चाहे ऊपर से बोल्ट को लगा देंगे, ऊपर से नट लगा देंगे। ये 8 mm के यहाँ पर हम नट लगा रहे हैं, ये इसके साथ में ही मिल जाते हैं। या आप हार्डवेयर से भी नट अलग से ख़रीद सकते हैं, अगर नहीं मिलते हैं साथ में तब ऊपर से लगा सकते हैं चाहे तो नीचे से। लेकिन जितने भी नट हैं वो सारे या तो ऊपर से लगाएंगे, ये सारे नट नीचे से ही लगाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर से एक नीचे से ऐसे हो जाएगा तो ये इसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ब्लेड के अंदर रिंग बना हुआ है, उसको हम बेस के खांचे में आराम से फिट कर देंगे, सेंटर में ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। उसके बाद सारे ब्लेड इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद 8 mm की गोटी से, चाबी से या टामी से, किसी भी चीज़ से हम इसको टाइट कर देंगे। एक ब्लेड के अंदर 3 नट बोल्ट हैं, सभी को हम अच्छे तरह से टाइट कर देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लास्टिक के ब्लेड हैं, तो आराम आराम से जितना टाइट हो सकता है इतने चारों ब्लेडों को टाइट कर देंगे अच्छे तरह से। कोई भी ब्लेड लूज़ नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइट हम करेंगे इससे ज़्यादा तो ये ब्लेड टूट सकते हैं। तो फटाफट हम सारे नट बोल्टों को टाइट कर रहे हैं। यहाँ पर हम 8 mm की टामी से टाइट कर रहे हैं। आप चाहे तो चाबी पाने किसी भी चीज़ से टाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा बोल्ट नीचे से नहीं घूम रहा, अगर आपका बोल्ट घूमे तो नीचे से प्लास से ये चाबी से पकड़ लेंगे और ऊपर से टाइट कर देंगे। तो ये हमारे सारे नट बोल्ट अच्छी तरह से टाइट हो चुके हैं। और ये एक हमारे पास 11 नंबर का बोल्ट है, 11 mm का, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। जब हम इस ब्लेड को एग्जॉस्ट की शाफ्ट में फिट करेंगे तब हम इस नट को 11 नंबर की चाबी से टाइट कर देंगे। तो ये हमारा ब्लेड रेडी हो चुका है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है, यानी ये सामने रहेगा।